प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरिता को और दबाएं बेल आइकन को संगीत से रिलेटेड तमाम वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन शास्त्री और मैं लेकर के आया हूँ श्री राम जी का महामंत्र का जो जाप होता है, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसको मैं लेकर के आया हूँ और बड़ी ही खूबसूरत सी तर्ज पे इसको मैं प्ले करने वाला हूँ। और हमेशा की तरह पहली काली ये होगा हमारा स्केल। तो स्वर हमारे जो इसमें लगने वाले हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। सा मंत्र सप्तक में हमारा शुद्ध नी का प्रयोग होगा और ये हमारा जो है सी सार पहली काली ये सा होगा। तो नी सा रे शुद्ध गा तिब्रमा पा धा। तो सा से हम धा तक ही जाने वाले हैं, इसके आगे हम जाने वाले हैं नहीं, और इतने ही स्वर हमारे इसमें लगने वाले हैं। आप अगर चाहें तो अदर स्किल से भी इसको प्ले कर सकते हैं, नोटेशन सेम होगा। क्या है इसको पहले गा लेते हैं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप सबको पता चल गया होगा, बड़ी ही फेमस ये तर्ज है। होठों से छू लो तुम, बड़ा खूबसूरत सा तर्ज, बहुत पुरानी फिल्मी गीत का तर्ज है ये, बहुत सुंदर लगता है। इस पर हरे राम का संकीर्तन जो है, तो ये हम देखने वाले हैं, ये है हमारा स्थाई। और पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्या है ठीक, हरे राम हरे राम, यानी गरे गरे सा हरे राम, फिर हरे सापे ही राम राम, तो हरे ये हो गया। फिर राम, यानी तीन स्वर राम में लगे, गरे सा, फिर हरे हरे सापे हरे, और राम राम, फिर राम में तीन स्वर लगा रे सानी, फिर राम राम हमारा नी पे ही राम 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 राम, तो नी नी सारे राम राम, हरे हरे में सागा हरे हरे, तो हरे सागा हो गया, फिर हरे रे सा। तो ये हमारी हो गई स्थाई। स्थाई में क्या चला एक बार प्ले कर लेते हैं, फिर आते हैं अंतरे पे। आराम से एक उंगली से इसको देख लेते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ठीक। तो ये हो गया स्थाई। बारी आती है अंतरे की, तो अंतरा हमारा गा से चलने वाला है और अंतरे को हम लेकर के चल रहे हैं, देखिए कैसे। उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। आपको यहाँ पर बहुत से खूबसूरत खूबसूरत भजन और बॉलीवुड के गाने, लोकगीत, हर प्रकार के आपको इसमें मिलने वाले हैं। और फिर स्थाई में एक लाइन हमारा हरे राम हो गया, एक लाइन और चलेगी, उसके बाद हम आएंगे अंतरे पे, तो उस लाइन को भी एक बार हम गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। क्या है, हरे कृष्ण, सेम वही अंतरा जो पहला चला था, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सेम वही। फिर अब अंतरे पे चलते हैं ठीक। हरे राम 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 हरे हरे, ठीक। ये अंतरे की पहली लाइन क्या है, गम पापा हरे राम, ठीक। हरे राम गम पापा हरे राम, फिर हरे
हरे में हमारा लगा मा मध ह रे मा मध हरे हरे, दोबारा हरे में हरे पा मा ग, इतना क्या हो गया, पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं एक उंगली से। हरे राम हरे राम, ठीक, फिर आगे राम 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 राम, यानी गाम पापा राम राम, फिर हरे 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 मागरे सा हरे, तो क्या हो गया हरे हरे, फिर हरे जो हमारा लास्ट का आता है वो क्या है रे ग, फिर से हरे हरे, ठीक। सेकंड लाइन सेम इसी पे चलने वाली है तो सेकंड लाइन को भी देख लेते हैं एक उंगली से, क्या है हरे कृष्ण, सेम वही गामा पापा हरे, सेम वही चला फिर यहाँ पे मामा धा कृष्ण, सारी लाइनें सेम है कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ठीक। ये सेकंड लाइन सेम वैसे ही चली जैसे हमारी पहली लाइन चली थी, ठीक है। तो जितने भी भजन नोटेशन हैं या बॉलीवुड के सांग हैं या लोकगीत हैं, आपको जितने भी ट्यूटोरियल मिलते हैं वीडियोस के, उनमें एक ही अंतरे को बताया जाता है लगभग। लेकिन अब हमने क्या क्या है कि आपको कोई भी भजन, कोई भी गाना, कोई भी बॉलीवुड सांग हो या लोकगीत हो, कुछ भी है, जो भी भजन गाना है, पूरा एक एक लाइन, एक एक अंतरा, यानी सारे अंतरे विथ हिंदी नोटेशन, हिंदी नोटेशन के साथ एक एक लाइन, फिर उनके हिंदी नोटेशन, पूरा अंतरा, पूरी लाइन, स्थाई अंतरा, सब कुछ, जो भी म्यूजिक होंगे उन म्यूजिक के नोटेशंस, सब कुछ लिखित आपको मिलने वाले हैं हमारे वेबसाइट www.sursaitatechno.com पर, और ये आपको मिलेंगे 15 अक्टूबर 2020 से। तो आप 15 अक्टूबर के बाद वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इंडियन क्लासिकल राग, पूरे राग, जो भी बंदिश हैं, तराना है, अलंकार है, अलाप है, तान है, मुरकी है, खटका है, मीड है, गमक है, क्या है, किसे कहते हैं, स्वर साधना क्या है, किसे कहते हैं, सारी परिभाषाएँ, सारे नोटेशन, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। तो आप 15 अक्टूबर 2020 के बाद विजिट कर सकते हैं। आपको केवल गूगल में जा करके लिख देना है www.sursaitatechno.com, यानी www के बाद में स्पेलिंग क्या है, यस यू आर एस ए आर आई टी ए टी ई सी एच के एन ओ डब्ल्यू डॉट कॉम, और इंटर मारेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, बहुत सामग्री उसमें आपको मिलने वाली है म्यूजिकल, म्यूजिक से रिलेटेड। तो अब देखते हैं इसके आगे की लाइन क्या है। तो बहुत ही आसान तरीका है, हम अंतरे को पूरा कर चुके हैं और आ चुके हैं अपने स्थाई पे, तो फिर हमारा स्थाई उसी तरीके से बजने वाला है जिस तरीके से हमने शुरू में बजाया था। तो पहला स्थाई आप दो चार लाइन गाएं बजाएं, फिर अंतरे को दो चार लाइन गा के, और फिर आप स्थाई पे आ सकते हैं। तो सेम वही बजेगा, और उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।